प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय तथा राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के मेडिकल विंग द्वारा भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर नशा मुक्ति चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन में आयोजित प्रदर्शनी का सांसद विजय बघेल, नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी अजय शुक्ला, भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन के वाणिज्यिक अधीक्षक ब्रह्म कुमारी इंद्राणी दीदी द्वारा दीप प्रज्वलन कर विधिवत शुभारंभ किया गया। सुबह 7 बजे से ही ये नशा मुक्ति चित्र प्रदर्शनी भिलाई पावर हाउस स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रीगण के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस मौके पर सांसद विजय बघेल ने ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित प्रदर्शनी की सराहना की और बताया कि नशा तंबाकू और शराब के सेवन से होने वाले नुकसान को सभी भलीभांति जानते हैं, लेकिन इसे छोड़ने की जो इच्छा शक्ति आत्मबल चाहिए वह उनमें नहीं होता, इस कारण वह इस नशे को नहीं छोड़ पाते। लेकिन ब्रह्म कुमारी जैसी आध्यात्मिक संस्था जो प्रतिदिन राजयोग मेडिटेशन के द्वारा नशे की बुराइयों को दूर करने में सहायक साबित हो रही है, उसी क्रम में ये आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक रूप से सभी के लिए लाभदायक रहेगी। प्रदर्शनी स्थल पर उपस्थित ब्रह्म कुमारी बी के गायत्री दीदी ने इस नशा मुक्ति आध्यात्मिक प्रदर्शनी का उद्देश्य बताया और कहा कि आज लोगों में जागृति आई है कि नशे के क्या दुष्प्रभाव होते हैं और हर एक इससे छूटने का प्रयास भी कर रहा है। सिर्फ उसे ही मार्गदर्शन, आत्मबल, दृढ़ इच्छा शक्ति, श्रेष्ठ संकल्प की आवश्यकता है कि मैं परमात्मा की श्रेष्ठ संतान हूँ। हम सब लोग मिल करके संकल्प लेते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस के अवसर पर संकल्प लेते हैं ना तो धूम्रपान करेंगे, ना ही दूसरे को करने देंगे। नशा नाश की जड़ है यह स्वयं को, परिवार को एवं राष्ट्र को नुकसान पहुंचाती है। खुद भी सुधरेंगे, दूसरों को भी सुधारेंगे। भारत माता की जय। भारत माता जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज तंबाकू निषेध दिवस है और इस दिन हम लोग नशा मुक्ति के संकल्प के साथ इस दिवस को मनाते हैं। वैसे नशा मुक्ति तो हर रोज़ होनी चाहिए, जीवन में कभी नहीं होनी चाहिए नशा। ये संकल्प हमको बचपन से ही लेनी चाहिए, माता पिता से यही संस्कार हमें मिलनी चाहिए, गुरुओं से यही संस्कार हमें मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोग नशा के की ओर अपना जीवन बर्बाद करने लग जाते हैं। इसीलिए नशा मुक्ति दिवस, तंबाकू निषेध दिवस आज के दिन मनाया जा रहा है और प्रजापति ब्रह्म कुमारी का जो सेक्टर 7 का सेंटर है, जहाँ की हमारी प्रमुख दीदी आशा जी हैं, उनके माध्यम से पावर हाउस रेलवे स्टेशन भिलाई दुर्ग में ये आयोजन रखा गया है कि लोगों को क्यों नशा से दूर रहना चाहिए, कैसे नशा से हम अपने आप को बर्बाद करते हैं, परिवार बर्बाद होता है, समाज में भी हमारी अवहेलना होती है, हम समाज में सम्मान नहीं पाते। ये सब भाव हमको अपने आप में आत्मसात करना चाहिए और नशा से दूर रहना चाहिए ताकि हम अपने आप को बचा सकें, समाज में प्रतिष्ठा पा सकें और परिवार को भी बचा सकें। देखिए, ब्रह्म कुमारी तो मानव निर्माण की बात करती है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, ये भाव हर संस्था की होती है, ब्रह्म कुमारी की भी यही भावना है और इसीलिए राजयोग के माध्यम से कैसे हम अपने आप को बदलें, हम अपने अनेक प्रकार के जो विसंगतियाँ हैं हमारे अंदर, क्रोध है, नशा है, काम है, उससे हम बचें ताकि एक अच्छे मानव बनकर समाज की सेवा कर सकें और इस भारत को विश्व के शिखर पर पहुंचा सकें। आज हर कोई कोशिश कर रहे हैं हमारा भारत नशा मुक्त भारत बने, लेकिन इस प्रयास में लगे तो सभी लोग हैं, लेकिन ये शुरुआत तो एक एक व्यक्तियों से होगा। हर कोई चाहते हैं कि हम नशा को छोड़ दें, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो, बीड़ी, सिगरेट या फिर मोबाइल, कंप्यूटर, हर एक चीज़ की लत लगी हुई है। और इन सब का कारण क्या है? या तो स्वयं मनुष्य का अकेलापन, या तो परिवार में न मिलने वाला प्रेम, स्नेह, सुख, शांति, जिसके कारण लोग इन चीज़ों को अपने साथ साथी बना करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भूल चुके हैं कि वास्तव में हमें चाहिए क्या
और इन बाहरी चीज़ों से अपने उन आवश्यकताओं को पूरा करने में लगे हुए हैं। सोचते हैं शायद इन सब चीज़ों से हम ठीक हो रहे हैं। कहीं पर इसको दवाई के रूप में यूज़ करते हैं, कोई फैशन के लिए, कोई अपनी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए, कोई लोगों से दूरी बनाने के लिए इत्यादि रूप से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहते ज़रूर है छोड़े, पर मन के अंदर वो ताकत नहीं है। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है खुद के अंदर की उस शक्ति को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जैसे कि राजयोग मेडिटेशन है। यह मेडिटेशन से हम अपने अंदर की खुद की उन शक्तियों को पहचानते हैं जिनको परमात्मा ने हमें दिया है, और उन शक्तियों के द्वारा ही हम इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, जब शरीर में इम्यूनिटी पावर नहीं होती है तो कोई भी बीमारी अटैक करती है, ऐसे ही जब मन की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है तो कैसे हमारे जीवन में इस तरह की चीज़ें आने लगती है, और आज इन्हीं के कारण हम इन चीज़ों से अपने आप को सेफ नहीं रख सकते। तो राजयोग मेडिटेशन जो है ये हमारी बहुत मदद करता है इन चीज़ों से मुक्त होने में। लोगों का यही है कि हम चाहते तो हैं और हमने प्रयास भी किया है, पर शायद हमारा प्रयास अधूरा है। बाहर से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, कभी दवाइयों के द्वारा, कभी लोगों के द्वारा, तो कभी आध्यात्मिक चीज़ों के द्वारा, पर वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही है। क्योंकि सच में आध्यात्मिकता वो हमारे जीवन का लाइट हाउस है जो हमें सही मार्ग दिखाता है ताकि हम उन चीज़ों से पूरी तरह से मुक्त हो सके। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी ने अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस के मौके पर संकल्प लिया कि धूम्रपान तंबाकू का सेवन स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए नुकसानदायक है, उसे दूर रहने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। और साथ ही ये नारा दिया कि नशा नाश की जड़ है, हम सभी इससे मुक्त हों, स्वयं अपने परिवार समाज में खुशहाली लाकर भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने में अपनी अहम भागीदारी दें। इसी न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।